हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। आज हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का पेपर आया था उसके बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में जो लास्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको सॉल्व करा है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। इसमें आपको एक एक नंबर वाले 18 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आपको इसमें से 6 आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद फिलअप्स देन ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था ए डैश इज ए टू पोर्ट डिवाइस। इसके ऑप्शन है हब, स्विच, राउटर या ब्रिज। तो इसका सही आंसर है ब्रिज। क्या ब्रिज इज ए टू पोर्ट डिवाइस? ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। नंबर टू, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? इसके ऑप्शंस है वायरलेस फील्ड, वायरलेस फिडेलिटी, वायरफायर या वायर फिडेलिटी। तो इसका सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। कि वाईफाई आपने सुना ही होगा कि जब आप मान लो आपका नेट पैक खत्म हो चुका है, आप किसी को बोलते हो कि हॉटस्पॉट ऑन करके नेट दो, आप अपना वाईफाई ऑन करते हो, नेट चल पड़ता है। उसी तरह मान लो आपके घर पे मॉडेम लगा है, वाईफाई ऑन करो तो आप तब भी नेट यूज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं वाईफाई। ये एक वायरलेस नेटवर्क है। नंबर थ्री, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द डैश। इसके ऑप्शंस है इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, 5G टेक्नोलॉजी या ईमेल। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट। ये इंटरनेट की मदद से स्टूडेंट कहीं पे बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नंबर फोर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसके ऑप्शंस है कंप्यूटर, मोबाइल, टेक्नोलॉजी या वर्चुअल रियलिटी। तो इसका सही आंसर है मोबाइल। ये जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये स्मार्टफोन या मोबाइल में यूज होता है। नंबर पांच, ए डैश इज ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इसकी ऑप्शन है एमएस विंडोज, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट या एमएस वर्ड। तो इसका सही आंसर है एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। नंबर सिक्स, स्विच केस इज सिमिलर टू डैश स्टेटमेंट। इसके ऑप्शन है इफ, इफ एल्स इफ, ब्रेक या गो टू। तो इसका सही आंसर है इफ एल्स इफ। जो स्विच केस स्टेटमेंट है ये इफ एल्स इफ की या की तरह यूज होती है, उसकी सिमिलर है। तो स्विच केस या इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रयोग उस समय होता है जब हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस में से किसी एक केस को चुनना हो। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, डैश इज ए गुड एग्जांपल ऑफ नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका आंसर है एप्पल सीरी, कि जो एप्पल सीरी है ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक उदाहरण है। नंबर टू, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। इसका आंसर है डिजिटाइजेशन, कि डिजिटाइजेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। नंबर थ्री, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ऑफ ई गवर्नेंस इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। इसका आंसर है थ्री, जो ई गवर्नेंस की सुविधाएं हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होती है डोमेस्टिक स्टेट लेवल, एक होता है नेशनल लेवल और एक होता है इंटरनेशनल लेवल। नंबर चार, डैश गिव्स एन यूनिक आइडेंटिटी टू इंडियन सिटीजन्स। ये भारतीय नागरिकों को यूनिक आइडेंटिटी कौन देता है? तो इसका आंसर है आधार नंबर। नंबर फाइव, फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश टैब ऑफ एमएस एक्सेल या एक्सेल। तो इसका आंसर है होम एंड डाटा। ये फिल्टर ऑप्शन है ये होम और डाटा दोनों टैब में अवेलेबल होता है। नंबर सिक्स, डैश इज ए चेस प्लेइंग कंप्यूटर डेवलप्ड बाय आईबीएम। कि आईबीएम की तरफ से चेस प्लेइंग जो कंप्यूटर डेवलप किया गया उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है डीप ब्लू। डीप ब्लू इज ए चेस प्लेइंग कंप्यूटर डेवलप्ड बाय आईबीएम। आगे हैं ट्रू फॉल्स। जब भी आपको सिक्स आए थे, नंबर वन, मर्जिंग ए वीडियो मीन्स स्प्लिटिंग द क्लिप इनटू सेवरल पार्ट्स।
कि मर्जिंग का अर्थ है वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, ये बिल्कुल गलत है, जबकि मर्जिंग का मतलब होता है वीडियो को इकट्ठा करना। नंबर टू, शिफ्ट प्लस सी इज ए शॉर्टकट की फॉर कॉपी ऑफ एन इमेज, कि शिफ्ट प्लस सी किसी इमेज को कॉपी करने के काम की शॉर्टकट की है, ये बिल्कुल गलत है, जबकि कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है, ना कि शिफ्ट प्लस सी। नंबर थ्री, स्केल ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ एन इमेज, कि स्केल ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर चार, डुप्लीकेट लेयर हेल्प्स टू मेक ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एक्टिव लेयर, कि डुप्लीकेट लेयर की मदद से हम एक्टिव लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर पांच, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए मूवी इज डिवाइडेड इनटू फाइव स्टेजेस, जब हम कोई मूवी बनाते हैं उसको पांच स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, जबकि मूवी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्री प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है पोस्ट प्रोडक्शन। सिक्स्थ है, वीडियो एडिटिंग वर्क्स विद ओनली वन वीडियो क्लिप, कि जो वीडियो एडिटिंग है वो सिर्फ एक ही क्लिप पे काम करती है, ये बिल्कुल गलत है, जबकि वीडियो एडिटिंग के अंदर आप जितनी मर्जी वीडियोस ले सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की, इसमें आपको चार चार नंबर वाले पांच क्वेश्चंस आएंगे और कुछ क्वेश्चन में चॉइस भी होगी। पहला क्वेश्चन है, गिव नेम ऑफ एनी फोर करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करंट ट्रेंड्स क्या है। द नेम ऑफ फोर करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एज फॉलोइंग। नंबर वन, मोबाइल इंटरनेट, आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि मोबाइल पे जब हम डाटा पैक ऑन करके या वाईफाई की मदद से इंटरनेट चलाते हैं, जो जो काम करते हैं, चाहे आप सर्चिंग कर रहे हो या सोशल मीडिया चला रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, तो वो किसकी मदद से चलता है, मोबाइल इंटरनेट की मदद से। नंबर टू, वाईफाई टेक्नोलॉजी, इसके बारे में एक लाइन लिख सकते हो कि इसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। अगर हम मॉडम वाईफाई आपके पास या किसी को हॉटस्पॉट बना के कहते हो कि मैंने नेट चलाना है वाईफाई ऑन करके, तो उसमें वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज होती है। नंबर थ्री है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, कि ब्लूटूथ जो है ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम डाटा को आसानी से कुछ रेंज में शेयर कर सकते हैं। आजकल ब्लूटूथ के स्पीकर्स भी आते हैं, आपने देखे होंगे, तो वो भी क्या है आपका, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को, वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। नंबर चार, ई कॉमर्स, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कोई चीज सेल करते हो तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स, मीन की इस क्वेश्चन में भी आप एक एक लाइन, दो दो लाइन ऐड खुद कर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज नेट बैंकिंग, एक्सप्लेन। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। नेट बैंकिंग इज फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स, की ये बैंक्स की तरफ से प्रदान की जाती है। नेट बैंकिंग अलाउज कस्टमर्स टू यूज बैंकिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, कि नेट बैंकिंग में जो कस्टमर्स हैं वो इंटरनेट की मदद से जो बैंक की सर्विसेज हैं उनको घर बैठे यूज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड वेब बैंक्स और वर्चुअल बैंक्स। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ नेट बैंकिंग। नंबर वन, वी कैन चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन, कि बैंक में जाके आपको कॉपी कंप्लीट कराने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो। नंबर टू, वी कैन रिचार्ज द प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच, इसकी मदद से आपका जो मोबाइल है या आपका डीटीएच कनेक्शन है उसका भी रिचार्ज घर बैठे कर सकते हो। नंबर थ्री, वी कैन ऑर्डर फॉर ए चेकबुक, अगर आपकी चेकबुक खत्म हो गई है या गुम हो गई है तो आप उसको ऑनलाइन भी नेट बैंकिंग मदद से ऑर्डर कर सकते हो। नंबर फोर, वी कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, कि नेट बैंकिंग की मदद से हम फंड को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर फाइव, वी कैन पे बिल्स ऑनलाइन सच एज टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, किसी भी तरह का जो बिल है वो भी आप नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन पे कर सकते हो। साथ में इसमें चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स क्या है। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, कि आप व्यापार ऑनलाइन कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, अगर आप इंटरनेट की मदद से चीजें बेचते हो या खरीदते हो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, द वेबसाइट्स amazon.com, flipkart.com, olx.com आर यूज टू बाई एंड सेल थिंग्स ऑनलाइन,
जो आपको वेबसाइट्स बताई हैं, इनकी मदद से आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की मदद से आप चीजें खरीद सकते हो, और OLX.com की मदद से आप जो चीजें हैं सेकेंड हैंड चीजें उनको बेच भी सकते हो। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो ई कॉमर्स के लिए यूज होती हैं, इनकी ऐप भी है और वेबसाइट भी है। नंबर थ्री, इन ब्रीफ डिस्क्राइब स्मार्ट गवर्नेंस, कि स्मार्ट गवर्नेंस को डिस्क्राइब करो। द मॉडर्न नेम ऑफ ई गवर्नेंस इज स्मार्ट गवर्नेंस। हियर स्मार्ट मीन्स अट्रैक्टिव एंड गवर्नेंस मीन्स रूल। स्मार्ट गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट, मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स फॉर वेरियस ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज। विद द हेल्प ऑफ दिस एवरी पर्सन कैन गेट सर्विसेज ऑन देयर मोबाइल और कंप्यूटर। स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब है कि आप घर बैठे सरकार की अलग अलग सुविधाओं का लाभ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की मदद से ले सकते हो, जिससे आपकी टाइम की बचत होती है और आपको बड़ी बड़ी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेल, और साथ में चॉइस में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस। तो पहले बात करते हैं एक्सेल की। इट स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोलते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इट इज यूज फॉर मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन, इसकी मदद से हम मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। और एक्सेल की जो स्क्रीन है ये कुछ इस तरह से नजर आती है, जो रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है। इसके साथ ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शंस। प्रिंट कमांड की बात करते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पेपर, अगर किसी कागज के ऊपर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हो उसके लिए प्रिंट कमांड यूज होती है, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी। प्रिंट प्रीव्यू, दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग लेने से पहले आप चेक करना चाहते हो आपका डॉक्यूमेंट कैसा नजर आएगा जब प्रिंट होगा, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड यूज होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2। नीचे आप स्क्रीन देख रहे हो, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एरो नजर आ रहा है, ये प्रिंट बटन है, और राइट साइड पे स्माइला ट्यूटोरियल्स के नीचे पैराग्राफ्स लिखे हैं, ये आपको इसका प्रीव्यू नजर आ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज लूपिंग, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइटरेटिव स्टेटमेंट, इसको आइटरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इट इज यूज टू रिपीट सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन ए कंडीशन, अगर आप किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हो उसके लिए लूपिंग यूज होती है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन फॉर लूप, जो फॉर लूप है ये एक प्री टेस्ट लूप है, इसमें कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और ऑपरेशन एक ही लाइन में आते हैं, आप एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर टू वाइल लूप, जो वाइल लूप है ये भी एक प्री टेस्ट लूप है, इसमें भी कंडीशन पहले चेक होती है और बॉडी ऑफ लूप बाद में चलती है। इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आता है, उसके बाद कंडीशन आती है और लास्ट में अपडेशन आती है। डू व्हाइल लूप, इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट लूप, इसके अंदर कंडीशन सबसे लास्ट में होती है, सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन, फिर आती है अपडेशन और लास्ट में आती है कंडीशन। सो फॉर लूप और व्हाइल लूप ये दोनों आपको कह सकते हो कि ये आपकी प्री टेस्ट लूप है, इनमें कंडीशन पहले चेक होती है और लूप बाद में चलती है, जबकि जो डू व्हाइल लूप है ये पोस्ट टेस्ट लूप है, इसमें कंडीशन लास्ट में चेक होती है और बॉडी लूप पहले चलती है। फॉर लूप और व्हाइल लूप तभी काम करेंगी अगर कंडीशन सही है, अगर कंडीशन गलत है फॉर व्हाइल लूप नहीं चलेंगी। डू व्हाइल के केस में होता है कि ट्रू के केस में तो डू व्हाइल चलती चलती है, फॉल्स के केस में सिर्फ एक बार चलती है। पार्ट सी में आपको 6-6 नंबर वाले तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जिनमें इंटरनल चॉइस होगी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ राउटर, डिफाइन फंक्शंस ऑफ ए राउटर। और चॉइस में क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर, डिफाइन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले बात करते हैं राउटर और इसके फंक्शंस के बारे में। सो राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। कि राउटर की मदद से हम नेटवर्क्स के अंदर डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। राउटर के अंदर जब भी हमारा डाटा जाता हो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। इट प्रोवाइड्स द सूटेबल रूट टू द पैकेट व्हिच हैज टू सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि जो पैकेट आप सोर्स से डेस्टिनेशन भेज रहे हो उसके लिए सूटेबल रूट प्रोवाइड करेगा। सूटेबल मतलब कि जल्दी से जल्दी पहुंचे और किसी किस्म की कंजेशन ना आए। इट इज यूज्ड इन लार्ज इंटर नेटवर्क्स।
फॉर एग्जाम्पल राउटर यूज बिटवीन द इंटरनेट एंड नेटवर्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि राउटर का प्रयोग इंटरनेट और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के बीच में होता है। जिसका डायग्राम देख सकते हो कि दो नेटवर्क्स हैं जिसको राउटर आपस में जोड़ रहा है। ये डायग्राम आप पेपर में बना सकते हो। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ राउटर। तो पहला पॉइंट है राउटर रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक, ये नेटवर्क ट्रैफिक को घटाता है, कम करता है। नंबर टू राउटर सिलेक्ट्स बेस्ट पाथ अक्रॉस द नेटवर्क, ये बेस्ट पाथ चूज करता है नेटवर्क में पैकेट्स को भेजने के लिए। नंबर थ्री राउटर यूज टू ज्वाइन डिफरेंट नेटवर्क्स, ये डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के काम आता है। नंबर फोर राउटर डज नॉट पास करप्टेड पैकेट्स, जो राउटर है ये खराब पैकेट्स को कभी भी पास नहीं करता। इंटरनल चॉइस में साथ में क्वेश्चन है व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर, डिफाइन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो ट्विस्टेड पेयर केबल इज ए गाइडेड मीडिया, ये गाइडेड मीडिया है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, इसमें दो वायर्स होती है। These wires are twisted together in spiral form. ये इस तरह से आपस में जुड़ी होती है, ये डायग्राम आप पेपर में बना सकते हो। The purpose of twisting is to reduce electrical interference. ये जो आपकी वायर्स हैं, ये आपस में ट्विस्ट क्यों हैं, स्पायरल फॉर्म में क्यों हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कम किया जा सके। ये दो तरह की होती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को एसटीपी बोलते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को यूटीपी बोलते हैं। आगे हैं एडवांटेजेस। पहला इट हैज लो कॉस्ट, इसकी कीमत कम होती है। नंबर टू इट इज इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना आसान है। नंबर थ्री इट इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू कनेक्ट, ये फ्लेक्सिबल होती है, इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। नंबर फोर इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, इसकी मदद से एनालॉग डिजिटल दोनों सिग्नल भेजे जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस नंबर वन इट कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ओनली, फॉर लॉन्गर डिस्टेंस रिपीटर्स आर यूज्ड। नंबर टू इट हैज लो डाटा रेट्स। नंबर थ्री इट इज वेरी थिक एंड ब्रेक इजीली। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और चॉइस में क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एआई। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई। द एप्लीकेशंस ऑफ एआई आर इज फॉलोइंग। नंबर वन इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम, इन दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड अलर्ट व्हेन समथिंग इज ट्राइंग टू वायलेट द सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल फायरवॉल प्रोग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में फायरवॉल प्रोग्राम होता है, वो इसी की एग्जाम्पल है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस आने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसको रोक देता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। नंबर टू गेमिंग, एआई प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेम्स लाइक चेस एंड टिक टैक, तो मतलब एआई का प्रयोग गेमिंग में भी होता है। नंबर थ्री नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इट मीन्स एआई कैन कम्युनिकेट विद ह्यूमंस इन देयर ओन नेचुरल लैंग्वेज, की एआई हमारी अपनी लैंग्वेज में भी काम कर सकता है, जैसे अलेक्सा को आप बोल के कमांड देते हो या ऑनलाइन सर्चिंग करते हो यूट्यूब पे या गूगल पे। नंबर फोर मशीन लर्निंग, इट मीन्स मशीन कैन लर्न फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, एआई में जो मशीन हैं वो हमारे से भी सीख सकती हैं। नंबर पांच विजन सिस्टम, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विजुअल इनपुट, फॉर एग्जाम्पल स्पाई ड्रोन टेक पिक्चर्स, की जैसे ड्रोन पिक्चर्स लेता है और अगर पिक्चर की मदद से कोई आप सर्चिंग कर रहे हो, जैसे गूगल पर फीचर आ गया हुआ है, उसको बोलेंगे विजन सिस्टम। नंबर सिक्स वॉइस रिकॉग्निशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन, इसको स्पीच रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। एआई कैन कन्वर्ट द वॉइस ऑफ ह्यूमंस इनटू टेक्स्ट, कि जब हम बोल रहे हैं इसको साथ साथ टाइप भी कर सकता है। ये फीचर अब व्हाट्सएप पे भी हमारे पास होता है कि हम बोलते जाते हैं और साथ साथ टाइप भी होता जाता है। सेकंड क्वेश्चन है चॉइस में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एआई, एआई की इंपॉर्टेंस क्या है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इज एज फॉलोइंग। नंबर वन गेम प्लेइंग, एआई प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेम्स लाइक चेस एंड टिक टैक, जिसमें ब्रेन यूज होता है उस तरह की गेम्स में एआई यूज होता है। नंबर टू वॉइस रिकॉग्निशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन, एआई कैन कन्वर्ट द वॉइस ऑफ ह्यूमन इनटू टेक्स्ट, कि हम जो बोल रहे हैं उसको साथ साथ अगर हमारा कंप्यूटर टाइप कर रहा है तो मतलब कि वो एआई में यूज हो रहा है। नंबर तीन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लैंग्वेज, इट मीन्स एआई कैन कम्युनिकेट विद ह्यूमन इन देयर ओन नेचुरल लैंग्वेज, कि हमारी लैंग्वेज में भी ये कम्युनिकेट कर सकता है, जैसे रोबोट्स देखे होंगे जिसको हम बोलकर कमांड देते हैं। नंबर चार कंप्यूटर विजन एंड एनालिसिस,
AI has important role in computer vision. It enables to understand the real world using 3D models. It generates information automatically from pictures and patterns. कि picture और patterns की मदद से भी हम जब input देते हैं या computer को use करते हैं तो वो भी क्या है AI का एक part है. तो आज के लिए इतना ही. अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं. और आपके फाइनल पेपर के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक्स. धन्यवाद.